Nazreen, Aziz Talwa, Adab. Maulana Azad National Urdu University ke Talimi Program mein aapka khair maktam hai. Aaj hamari gustagu ka mauzu hai. इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक चीज़ को ये जान लें कि हमारे यहाँ इसको जानने के लिए हमारे पास क्या क्या माखज़ है, क्योंकि माखज़ हमारा बेस होता है किसी भी वक्त की तारीख को जानने के लिए. इस पर चूँकि अगर आप स्टडी करेंगे, ये मालूम होगा कि हिंदुस्तान की 9th-10th century AD की को जानने के लिए इंस्क्रिप्शन के अलावा बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं मिल रहे. जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, ख़ास करके जो इसको जानने के लिए एक बड़ा माखज मिडिवल हिस्टोरियन के लिए बना है, वो है आपका किताबुल हिंद. किताबुल हिंद जो है आपकी एक बड़ा सोर्स है जिसमें हम इंफॉर्मेशन की तरह से देखते हैं. अलबरूनी की जो इंफॉर्मेशन है, चूँकि बहुत दिन तक हिंदुस्तान में रहा और ब्राह्मणों के साथ रहा और हिंदुस्तान को समझने की कोशिश की है, तो उसके मद्देनज़र बात लोगों ने की है. दूसरा अगर आप देखिएगा तो कुछ संस्कृत इन्फॉर्मेशन है आपके पास, संस्कृत इन्फॉर्मेशन है. ख़ास करके अगर आप साउथ इंडिया की बात करेंगे 10th-11th century में, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन अच्छी है. लोकल लैंग्वेजेस में भी काफ़ी है, तमिल में है, तेलुगू में है, इस पर इन्फॉर्मेशन मिल रही है. एक और सोर्स है इसी पीरियड का जो आप जैन लिटरेचर में मिलता है, जिसको हम लोग हेमचंद्र के नाम से जानते हैं, उसने भी काफ़ी तफसील से बात की है. यहाँ हिंदुस्तान में जब तुर्कों का हमला हुआ था, तो हिंदुस्तान की सामाजिक हालत की, हम सामाजिक हालत पर बात कर रहे हैं. एक चीज़ लोगों ने डिस्कशन किया, और ख़ास करके कंप्रहेंसिव हिस्ट्री वॉल्यूम 5 लिखा गया, उसमें हबीब निज़ामी ने बहुत अच्छा काम किया, उसको एडिट किया उन्होंने और किताब आई. उसमें अगर आप पढ़ेंगे उस किताब में, तो कास्ट सिस्टम को उन्होंने बहुत ही बड़े पैमाने पर यह रखा है कि कास्ट सिस्टम जो है हिंदुस्तान का डीप रूटेड कास्ट सिस्टम है. और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो किताबुल हिंद पर बेस करके दे रहे हैं. वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान उस पीरियड में 4 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, कास्ट में, यानी कि 4 जात हैं, जिसको हायरार्की वाइज, जिसको एक बताया गया है कि जो सबसे बड़ा तबका हिंदुस्तान में उस वक्त था उसको ब्राह्मण कहते थे. दूसरा बड़ा तबका उस पीरियड में है जिसको हम लोग क्षत्रिय के नाम से जानते थे, और तीसरा जो तबका है उसको वैश्य के नाम से जानते थे, और चौथा जो तबका है वो शूद्र कहलाता था. अब इन चारों तबकों में समाज को आपने बांटा. जो पहला तबका है जिसको ब्राह्मण कहते हैं, वो सोसाइटी में, समाज में सबसे इज्जत का मालिक वो था. मज़हबी मामले में हेड है, उसको बहुत सारी आज़ादी है, उसको पढ़ने की आज़ादी है, पढ़ वो सकता है, रिचुअल्स वो कर सकता है, दूसरों को ये आज़ादी नहीं है जो ब्राह्मण को दिया गया, और सोसाइटी में एक बड़ा मुकाम की तरह से देखा जाता है ब्राह्मण का. जो दूसरा तबका है जिसके बारे में ये आपको बताया जा रहा है किताबुल हिंद में, वो ये बोल रहा है कि क्षत्रिय, यानी कि वॉरियर क्लास, राजपूत जिसको कहते हैं. राजपूत कहना बड़ा सही नहीं होगा यहाँ पर, क्षत्रिय, चूँकि राजपूत तो उस पीरियड में थोड़ा डिफरेंट कॉन्टेशन में जाएगा, तो हम क्षत्रिय समाज करके समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. इसमें क्या आ रहा है कि इस पीरियड में ये रूलिंग क्लास है, इसके पास पावर है, इसके पास पैसा है, और ये क्लास ऐसा है जो हिंदुस्तान में गवर्न कर रहा है, रूल कर रहा है, चाहे वो बड़े खत्ते में हो या छोटे खत्ते में हो, रूलिंग क्लास ये है. और इन दोनों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बरूनी ये जो आपका ये कहता है किताबुल हिंद में, अलबरूनी कह रहा है कि इन दोनों को एक ख़ास चीज़ है कि रिचुअल्स करने की इजाज़त है. रिचुअल्स का मतलब ये हुआ कि मरने के बाद जो आप पूजा पाठ करते हैं, चूँकि इनको मोक्ष हो सकता है, मोक्ष का मतलब यह है कि रीबर्थ से आपको छुटकारा, दोबारा आपकी ज़िंदगी नहीं मिले, तो इसकी आज़ादी है. ये कब होगी? जब आप मरने के बाद रिचुअल्स करेंगे, ये आज़ादी इनको दी गई है. ये दो क्लास को, यानी कि ब्राह्मण्स का रिचुअल्स होगा और साथ साथ आपके क्षत्रिय का भी होगा. क्षत्रिय इसलिए कि क्षत्रिय भी एक पावरफुल ताकत है, और एक उसके पास इख्तदार उसके हाथ में है, तो इसकी इज्जत बड़ी हुई है. तीसरा तबका जो है हमारे समाज का इस पीरियड में, जिसको हम जानते हैं वैश्य के नाम से, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिजनेस क्लास है. इसको समाज में वो मकाम हासिल नहीं है जो ब्राह्मण्स को मिला है या जो क्षत्रिय को मिला.
एक समाज में है उसको बिजनेस कर सकता है, रिचुअल्स की इजाज़त उनको भी नहीं है, कुछ जगह पर है, बाकी जगह पर रिचुअल्स की इजाज़त इनको नहीं दी गई है। चौथा ग्रुप जो हमारा है, जो सबसे कमज़ोर तबका है, जिसको आप शूद्र के नाम से जानते हैं, इनके लिए कोई भी आपकी इज्जत नहीं है समाज में, ये सबसे छोटे कौम के लोग हैं और ये जो हैं इनके लिए कोई भी रिचुअल्स नहीं होगा, इनके मरने के बाद इनके कुछ नहीं है, इनको ये इजाज़त नहीं है कि ये वेद पढ़ लें या पुराण पढ़ लें, ये इजाज़त भी इनके पास नहीं है। जो मज़हबी किताबें हैं, मज़हबी किताब पढ़ने की भी इजाज़त इनको नहीं है। ये हमारा समाज का एक सेक्शन हुआ। इतना ही तक कन्फाइंड नहीं है, फिर और बताया जाता है कि इसके अलावा कुछ और भी ऐसी जातियां हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोफेशनल हैं, जो काम कर रहे हैं अपने अपने ख़ानदानी काम में लगे हुए हैं। जैसे कोई बास्केट मेकिंग का काम करता है, कोई है जो कि आपका मोची है, जो शू बना रहा है। भाई आप बड़े हैं, ब्राह्मण हैं या आपके राजा साहब हैं, तो उनका जूता कौन बनाएगा, ये मोची है, ये बनाने के लिए है, ये ज़ात का रेफरेंस मिलता है। जिसके लिए कुछ लोग हैं जो ये काम में लगे हुए हैं, हंटिंग में काम में लगे हुए हैं कि शिकार करते हैं, वो एक कम्युनिटी है। फिशरमैन की कम्युनिटी है जो मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं, इनका रेफरेंस मिल रहा है। फिर आपको ऐसे भी लोग मिले हैं, वीवर का रेफरेंस मिल रहा है कि जो लोग जो हैं कपड़ा बीनने का काम कर रहे हैं, ये लोग हैं। तो इनको ये कहा गया है कि ये कम्युनिटी वो है जिनके पास ये ताकत दी गई है कि ये अपने ख़ानदानी बिजनेस में, अपने ख़ानदानी तजारत में, जो इनके ख़ानदान में चला रहा है उसमें मशगूल हैं और ये काम कर रहे हैं। ये समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। किस सेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि अपनी सर्विसेज दे रहे हैं समाज को काम करके। ऐसे आठ लोगों का, आठ तरह के लोगों की जाति का नाम आता है, उसमें एक तीन चार मैंने आपके सामने जिक्र किया, जिसमें एक सेलर भी आता है, फिर फिशरमैन मैंने बताया, हंटर बताया मैंने, और आपको एक और चीज़ मैंने बताया कि कुछ बास्केट मेकर हैं जो बास्केट बनाने का काम करते हैं और वीवर कपड़ा बुनने का काम करते हैं। इनके बाद और चार ऐसे लोग हैं जिनको लोवेस्ट कैटेगरी में रखा गया है। ये वो लोग हैं जो शहर के बाहर रहेंगे, इनको शहर में आने की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर इनको आना है काम के लिए तो इनको बड़ा पहले नोटिस आएगी कि हाँ भाई ये आने वाले हैं, तो ब्राह्मण जो हैं वो अपना रास्ता बदल लें या उनको देखे नहीं, ऐसी अजियत वाली बात थी। इसमें कौन कौन लोग हैं, ऐसे कौन कौम है, इनको हम लोग हादी के नाम से जानते हैं, होदी, कुछ लोग होदी बोलते हैं, फिर डोम होते हैं ये लोग, चंडाल होते हैं, और ये कम्युनिटी है बदती, ये ऐसी कम्युनिटी है जो शहर से बाहर रख रही है। ये हमारे समाज का एक पहलू हमको देखने को मिल रहा है जो इस पीरियड में आया, जब आपके मोहम्मद बिन साम और मोहम्मद गौरी जब हिंदुस्तान में आया तो उस वक्त की कंडीशन को, समाज की स्थिति को बनाने की कोशिश की गई है। अब आप दूसरी तरफ देखिए, एक सेक्शन को मैंने बताया, इसको बहुत से लोगों ने चैलेंज किया, इस थ्योरीज को नई रिसर्चर्स में बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे ब्राह्मण जो हैं वो आपके पूजा पाठ में ही लगे हुए हैं, या सारे ब्राह्मण जो हैं बहुत रिच हैं, या सारे ब्राह्मण बड़ी अच्छी कंडीशन में हैं, ऐसी कंडीशन नहीं है। बल्कि ये बताया, लोगों ने प्रूफ किया इंस्क्रिप्शन के सोर्सेज पर मिला करके कि ब्राह्मण भी खेती कर रहा है, ये है रेफरेंस, एक नहीं कई रेफरेंसेज मिलेगा, उड़ीसा से भी मिला हुआ, कुछ फैमिली है जो ख़ानदानी ब्राह्मण की फैमिली है जो पोस्ट होल्ड करती चली आ रही है, तो ये चीज़ नहीं है, तो नई रिसर्चर्स में ये बात भी आ रही है। लेकिन ऑन एक चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि हम कास्ट सिस्टम में बुरी तरीके से मुलव्वस थे हिंदुस्तान में, ये चीज़ पर बहस नहीं, ठीक है, कुछ परसेंटेज आप दे सकते हैं कि ये है, लेकिन कास्ट सिस्टम हमारा एक बुनियादी ढांचा है हमारे समाज का, इसको इनकार नहीं कर सकते, आज भी इसे हम ख़त्म नहीं हो सके आज भी। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया कि और एक बड़ा अच्छा रेफरेंस जो हेमचंद के इसमें मिला है वो मैं बताना चाह रहा था, उसने समाज को चार हिस्से में बांटने की कोशिश की है कि जो खास के विलेज समाज है, और वो जो बता रहा है वो इकोनॉमी के सेंस में बोल रहा है, लेकिन समाज में कैसा चेंज है वो बताने की वो कोशिश कर रहा है। वो ये बता रहा है कि हिंदुस्तान में जो समाज इस वक्त चल रहा है वो चार तरह के लोग हैं गाँव में। पहला वो गांव के लोग हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कार्शक, एक वर्ड यूज़ किया गया संस्कृत में कार्शक, यानी कि जिसको आप खेती करेगा तो उसको आधा हिस्सा मिलेगा, वो आपके खेती में काम कर रहा है, आपकी ज़मीन पर काम कर रहा है और उसको आधा हिस्सा मिलेगा फसल आने के बाद, उसको कार्शक कह रहे हैं। दूसरा एक और वर्ड उसने यूज़ किया है जिसको कहता है हलवाका।
हलवा का ये है, जिनका कहना है कि ये एक तरह से खेतिहर मजदूर हम जिसको बोलते हैं, जो खेतों में काम करने वाले मजदूर, उसको हलवा का कह रहा है। ये कैटेगरी के लोग को बता रहा है, ये दूसरे कैटेगरी में, ये सबसे कमज़ोर तबका है खेतिहर, खेती करने वालों में, किसानों में। तीसरा तबका ये बताता है कि जिसको बोलते हैं खुद काश्त, ये बता रहा है आपके भी हेमचंद्र के रिपोर्ट की मैं बता रहा हूँ। ये बोलता है कि तीसरा तबका वो है जिसको हम ये कहते हैं, ये वो लोग हैं जिनको ये ताकत है कि इनकी अपनी ज़मीन होती है, ख़ानदानी ज़मीन है इनके पास, छोटा है सही लेकिन अपनी ज़मीन है, और रहने के लिए भी इनके पास एक हट होता है, एक घर होता है, और ये इस पर खेती करते हैं, जिसको हम खुदकाश भी बोलते हैं और इंग्लिश में फ्री पेजेंट कहते हैं, फ्री पेजेंट इनके लिए यूज़ किया गया है, और मालिक ज़मीन, इनके पास खुद की ज़मीन है। और चौथा कैटेगरी ये बता रहा है वो लोग जो प्रोफेशनल है आर्टिज़न के बारे में, जिसमें वो तस्सी बिनने वाले की बात करता है, दरबान की बात करता है। ये बात यहाँ पर भी आपको देखने को मिली है, और आपने वहाँ पर जो बताया कि जो मैंने आपको आर्ट जातियों के बारे में बताया, वो रेफरेंस यहाँ भी देखने को मिल रहा है। यानी कि 12वीं सेंचुरी में ये प्रोफेशनल जो है उसका, उससे इनकार आप नहीं कर सकते भाई, ये ख़ानदानी पेशा है कि ये लोग जो रस्सी बीनते हैं, आपकी रस्सी बीने, और रस्सी बीनने के बाद आपकी चारपाई बनी और आपने उसको यूज़ किया, वो एक प्रोफेशन है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन दिखाया जा रहा है। तो इस चार कैटेगरी की ये बता रहे हैं। वॉचमैन का भी कंसेप्ट, दरबान, यानी कि आपको विलेज को देखने के लिए बाउंड्री पर कोई आदमी है जो देख रहा है कि भाई गांव में कौन आ रहा है, कौन नहीं जा रहा है, तो ये भी ये बता रहा है। मोची का जिक्र हमेशा आता है, यानी कि जो जिसको हम चमार कह रहे हैं, ये एक चीज़ को देखने की बात हुई। ये हमारी जो बात मैंने की पहले सेक्शन में, इस सेक्शन में जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये दिल्ली सल्तनत के क़याम से पहले की कंडीशन को बताने की कोशिश की। पहला ग्रुप जो है इस पीरियड में, जिसको हम लोगों ने समझा है और जानते हैं कि रूलिंग क्लास है, वो तबका जो हुक्मरान है। अब हुक्मरान जनरली हम ये समझ लेते हैं कि हुक्मरान का मतलब हो गया बादशाह, बादशाह एक हो गया, लेकिन जो बादशाह का जो नबुल्स है, बादशाह के जो उमरा है, उनको भी हम इसी तबके में रखते हैं, रूलिंग क्लास में ही रखते हैं। तो एक तो बादशाह हो गए, उनकी तो बात आप छोड़ दीजिए, अब हम आपसे उनकी बात कर रहे हैं जो रियल सेंस में हुकूमत पर बैठे हुए हैं, जो रूलिंग क्लास बन गए हैं, जिन्होंने पूरे इस पर अलग अलग खित्ते पर बैठे हुए और रूल कर रहे हैं, उनके बारे में समझने की कोशिश कीजिए। ये उमरा क्या है, ये नबुल्स क्या है, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उमराओं को लोगों ने जो स्टडी किया, उसमें काम ये किया कि इनको तीन हिस्से में बांटा, कैटेगरी वाइज, स्टैंडर्ड वाइज, जैसे आप आज की डेट में करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं ना, रूलिंग तो वही कर रहे हैं, तो वैसा ही एक बात आप यहाँ समझिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया गया कि हम बात कर रहे हैं खान, खान एक उमरा में एक ग्रुप है, नबुल्स में एक ग्रुप है खान, दूसरा मलिक, और तीसरा को अमीर कहते हैं। जो सबसे हाई कैटेगरी का वर्ड हुआ जिसके लिए, वो खान का वर्ड आया नबुल्स में भी, हालांकि यहाँ पर ये खान का वर्ड जो है मंगोल से आया है, मंगोल में खान होता था, और उसमें यह था कि 10,000 जिसके पास आर्मी होती थी, सोल्जर्स होते थे, उसको खान कहते थे। हालांकि दिल्ली सल्तनत में ये 10,000 की कोई बाउंडेशन नहीं थी, हाई क्लास के लोगों को, हाई नोबल्स को हम लोगों ने, उन लोगों ने खान का लकब दिया। जैसे एक समय आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के चलता हूँ कि बलबन को उलुग खान का टाइटल मिला था, जब बलबन बादशाह पहले, उलुग खान क्या हुआ, खान यानी कि उनको एक बड़ा, चूँकि बड़े सीनियर थे और बड़े पावरफुल नबुल्स थे, इसलिए उनको उलुग खान कहा गया था। लेकिन यहाँ बाद में भी कई लोगों को खान कहा गया, उसके लिए 10,000 का वो कैद नहीं थी कि आपकी आर्मी हो। और दूसरा जो चीज़ है वो मलिक है, मलिक भी एक पावरफुल होता था, जिसमें जिसके पास कई जगह की हुकूमतें होती थी, जो गवर्नर्स होते थे उनको मलिक भी कहते थे। और तीसरे अमीर, ये तीन तरह के लोग थे जिनको हम फर्स्ट कैटेगरी में मानते हैं। इस फर्स्ट कैटेगरी में ये है चंद अहदों, जिसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अमीर के अंदर में काम कर रहे हैं, जैसे उसमें सरनेदार हो गया, साकी खास हो गया, सिपा सलार है, ये सारे लोग जो हैं एक तरह के अमीर हैं, छोटे ही पोस्ट पर है, लेकिन ये सिपा सलार भी एक पोस्ट है, वो रूलिंग क्लास का ही आदमी है। सरखेल है, वो भी एक रूलिंग क्लास का आदमी है, रूल कर रहा है वो भी, और इनको अमीर भी कहा जाता है। बाद में अमीर लफ्ज़ का
मालदार लोगों के लिए भी कहा गया। ये बाद में आपने मुगल पीरियड में सुना होगा, आज भी हम बोलते हैं कि बहुत अमीर, तो बाद में ये वर्ड अमीर मालदार किसी भी मालदार शख्स के लिए अमीर वर्ड कहा गया, लेकिन एक्चुअली अमीर जो कहा गया था वो रूलिंग क्लास में उमरा के लिए यूज़ होता था। इसमें मिन्हाज सिराज ने जो किताब लिखी उसमें एक चीज़ लिखा कि 32 लोगों की लिस्ट बनाई उसने मलिक की, कि 32 का वो लिस्ट मिलती है और उसमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि 8 ऐसे मलिक हैं जो रॉयल फैमिली के हैं, खुद बादशाह के प्रिंस हैं, बादशाह के बेटे हैं, भतीजे हैं, जो ख़ानदान के लोग हैं उनको भी उस लिस्ट में रखा गया है। तो ये एक फर्स्ट कैटेगरी का ग्रुप है जिसको हम ये कहते हैं कि ये हमारा मेन क्लास है। अब इन क्लास को एक चीज़ ये देखा जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा और एक बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, कि शुरू में जो आप दिल्ली सल्तनत देख रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि टर्किश का डोमिनेशन है पूरे नोबिलिटी में, पूरे उमरा कौन है जो बड़े पोस्ट पर है वो टर्किश है। और जैसे जैसे इनकी डिक्लाइन आती है, खलजीज आते हैं, तुगलक आते हैं, तो इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो धीरे धीरे कम होती है और दूसरे लोगों को लाया जाता है। अब खलजीज के लोग आ गए या तुगलक के लोग आ गए, बाद में इंडियन मुस्लिम को भी लिया गया है, ये भी रेफरेंस देखने को मिल रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे इनको हटाया गया और ये ताकत इनकी कम होकर दूसरे लोगों के पास, जब चूंकि इख्तदार जो आया तुगलक के पास आया तो तुगलक ने अपने हिसाब से लोगों को बांटा, जब इख्तदार खलजी के पास था तो खलजी ने अपने हिसाब से लोगों को किया, तो एक बड़ा चेंज ये आया। इसके अलावा एक और चीज़ इस पर हमें जानना होगा कि इनको सपोर्ट करने के लिए जो उमरा जिसको आपने कहा, जिसको रूलिंग क्लास का वर्ड हमने यूज़ किया, इनको सपोर्ट करने के लिए कौन लोग हैं, कैसे ये हुकूमत कर रहे हैं, इनको चलाने के लिए फिर आपको ये बताया गया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनको हेल्प कर रहे हैं, जिसमें आप अगर आप इधर देखना चाहते हैं तो आपके पास उलमा क्लास है जिसको आपने सपोर्ट लिया। क्यों लिया? क्योंकि वो काजी बनाया आपने, आपको काजी की चीफ पोस्ट चाहिए थी, आपको अलग अलग पोस्ट जो होती थी जिससे वो चेहरे थे, तो इसमें दो ग्रुप बनाया गया, फिर अहले कलम और अहले सैफ। अहले सैफ का मतलब हो गया बड़े सोल्जर्स, जैसे आप सिपाही हैं और बड़े पोस्ट हैं तो उनको उनकी ज़रूरत पड़ती थी इनको, और अहले कलम का मतलब हो गया कि हर पढ़ा लिखा लोग जिसको ज़रूरत थी एजुकेशन की उनको यूज़ करते थे अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट काम कराने के लिए, अपने जुडिशरी में काम कराने के लिए ये ज़रूरत इनकी होती थी। तो ये भी एक तरह से उलमा क्लास जो है आपका, ये भी एक पढ़ा लिखा तबका है, तो इसको भी बेनिफिट मिल रहा है, समाज में अच्छी पोजीशन मिल रही। एक और चीज़ है जो हम यहाँ पर समझेंगे कि एक तबका और डेवलप किया है जिसको हम लोग जनरली नहीं समझते थे, ये यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़मींदार क्लास। ये ज़मींदार क्लास जो है, ज़मींदार वर्ड जनरली हम लोग मुग़ल में खूब पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत में ये वर्ड कम देखने को मिलता है। एक रेफरेंस ज़्यादातर आप देखिएगा तो अमीर खुसरो ने ज़मींदार का वर्ड शायद पहली बार यूज़ किया है। जनरली ये वर्ड हमारे यहाँ काफ़ी मुग़लों में काफ़ी ज़्यादा, खासकर वो लोग जिनको ख़ानदानी प्रॉपर्टी चली आ रही है, ज़मीन जिनके पास हो उनको ज़मींदार कहा गया, और ज़्यादा ज़मीन जिनके पास होती है वो आज भी एक कॉमन वर्ड है। यहाँ पर यह है कि आपको ये पता है कि राजपूत राजाओं को डिफ़ीट करके ये हुकूमत बनी थी। राजपूत राजा डिफ़ीट हो चुके थे, ठीक है कि दिल्ली की इख्तियार नहीं कर रहे थे वो, लेकिन जिस एरिया में, राजस्थान के कुछ एरिया में, कुछ सबब के एरिया में, वहाँ पर उनकी एक पोजीशन बनी हुई है, वहाँ पर वो राणा कहला रहे हैं, रावत कहला रहे हैं, राव कहला रहे हैं, ये एक हुकूमत, छोटी सी हुकूमत वहाँ पर कर रहे हैं। अगर हुकूमत नहीं भी कर रहे तो कम से कम उनकी इज्जत है वहाँ पर, वहाँ के अवाम में, कि भाई ये एक पावरफुल लोग हैं, ये भी रूलिंग क्लास को, तो इसको भी हम लोगों ने रूलिंग क्लास का तबका समझा। ये कहाँ पर है? ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन कुछ राजस्थान के इलाके में है, कहीं पर आपके अगर दिल्ली में देखिएगा, दिल्ली के एडजॉइनिंग में भी कुछ जगह पर आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आप अगर बिहार के कुछ हिस्से में जाइएगा तो भी आपको देखने को मिल रहा है, यूपी के हिस्से में देखने को मिल रहा है कि ये एक ग्रुप है जो एक्टिव है, जो ग्रुप है जो एक अपनी आर्मी भी रखता है। और इसका रेफरेंस क्या मिलता है? जब आपने इनको सपोर्ट भी लिया है, कई बार आपने सपोर्ट लिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मलिक छज्जू ने रिवोल्ट किया, इसके खिलाफ, ये खिलाफ के मलिक छज्जू ने रिवोल्ट किया था जलालुद्दीन खलजी के खिलाफ, और उस रिवोल्ट में लोकल चीफ्टन जो राजपूत राजा थे उनका सपोर्ट उसने लिया कि मुझे आपकी ज़रूरत चाहिए, आर्मी की चाहिए आपकी, चूंकि इनके पास आर्मी होती थी। रिवोल्ट करने में ठीक है कि फिरोज तुगलक ने उसको डिफ़ीट कर दिया, जलालुद्दीन फिरोज ने उसको डिफ़ीट कर दिया, लेकिन इससे ये फ़र्क पड़ गया कि एक इनकी पहचान बन गई और इनको, इन राजपूत राजाओं को भी बाद में जगह मिली, फिरोज तुगलक के पीरियड में इज्जत भी बख्शी गई और
पोस्ट भी दी जाने लगी, ये रेफरेंस भी देखने को मिला। तो ये एक ग्रुप है जिसको हम अगेन फिर ये कह सकते हैं कि ये भी एक रूलिंग क्लास का आपका तबका है। देखिए उलमाओं की कंडीशन ये है कि आज के तरह उलमा पैदा नहीं होते थे। जैसे आज आपने एक मदरसा बना दिया, मदरसा में आपने एडमिशन करा दिया, 5 साल 7 साल पढ़ने के बाद आप आलिम बन जाएंगे, नहीं ये सिस्टम नहीं था। आलिम बनना पहले एक बहुत बड़ी बात होती थी, चूँकि एक कोई मदरसे ऐसे नहीं थे जिसमें कोई डिग्री दी जाती थी, उनको अलग अलग जाके लोगों से पढ़ना पड़ता था और उसके बाद वो काफ़ी दिन के बाद वो एक आलिम मुकम्मल बनते थे। तो इसलिए बड़ी इज्जत हुआ करती थी आलिम की उस पीरियड में, और बादशाह उसको अपने साथ रखना चाहता था। कोई ज़रूरी नहीं थी कि बादशाह उनकी सब बात को माने, लेकिन हाँ बादशाह उनकी मशवरा ज़रूर लिया करता था कि भाई इस मामले में आपकी शरीयत क्या कहती है। मानना ना मानना वो बादशाह का फैसला होता था। अलाउद्दीन खलजी ने कई बार इनसे ली मशवरा किया, लेकिन काजी मुगीस ने कई बार इनको मशवरा कुछ दिया, लेकिन वो करता गया अपने हिसाब से क्योंकि जो उसको बेनिफिट लग रहा था। लेकिन इनकी इज्जत इसलिए थी कि ये एक पढ़े लिखे होते थे, और इनको दो जगह पर बड़ी कदर दी गई। एक तो काजी की पोस्ट जो होती थी वो उलमाओं को मिलती थी, वो एक बड़े काजी हैं तो आप काजी स्टेट लेवल पर भी होते थे। मुहतसिब की पोस्ट होती थी, उनको भी बुलाया जाता था, उलमाओं को दी जाती थी। अच्छा दूसरी चीज़ ये था कि इन्हीं काजी में एक और चीज़ आई कि इन काजी के अलावा हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो फाइनेंस के ऑफिसर हैं वो इसमें से लेके गए कि भाई आपको रिकॉर्ड को समझना है, लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड है उसको कैसे समझेंगे, तो उसके लिए वही आदमी चाहिए जो पढ़ा लिखा है। तो ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, जूनियर लेवल पर है ये इसके लिए। तजारती तबका के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो ये बोलता है 2-3 वर्ड जैसे हम हैं कि नगर सेठ का कंसेप्ट आया, कि नगर सेठ है कि भाई ये एक शहर में एक बड़ा व्यापारी है उसको नगर सेठ के नाम से जाना गया। हुंडी का रेफरेंस आपको मिल रहा है, ये भी तजारत का चीज़ है। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली सल्तनत की स्ट्रॉन्ग करेंसी सिस्टम, ये इस बात की बात करती है कि आपका ट्रेडिंग क्लास अच्छे तरीके से चल रहा। चूँकि इस वक्त में आप इल्तमश से लेके आ जाइए, मोहम्मद बिन तुगलक तक आ जाइए, लोदी आ जाइए, किसी भी पीरियड में आप बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत की जो करेंसी है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, सब बादशाहों ने चला, और आज भी इनकी करेंसी काफ़ी मिलती है, एक नहीं हज़ारों की तादाद में कॉइन्स मिलते हैं इनके। तो ये एक चीज़ का आपको सबूत है कि करेंसी सिस्टम स्ट्रांग होने का मतलब है कि तजारत हो रहा है, व्यापार हो रहा है, और ये ट्रेडिंग सेक्शन है। बानिक का रहा है, बानिक कहते थे शॉपकीपर को, या ये बानिक जो है आज भी बंगाल में काफ़ी लोग टाइटल सर नहीं लगाते हैं। तो ये जो है ये एक तबका है जिसका रेफरेंस दिल्ली सल्तनत में आ रहा है, और ये हमें प्रूफ करता है कि एक इनकी सिस्टम है जो अच्छे तरीके से चल रही है। और करेंसी सिस्टम मैंने जो बताया कि इसमें एक बड़ा अहम रोल अदा करता है इसके लिए। औरतों के तबके में एक ख़ास बात यह है कि जो औरतों की कंडीशन देखी गई तो इसमें फिर दो तरह से बांटा है लोगों ने, बड़े घर की औरतें और गरीब घर की औरतें, छोटे घर की औरतें। बड़े घर की औरतों की बात कीजिए, चाहे वो हिंदू हों चाहे वो मुसलमान हों, इनके यहाँ थोड़ा डिफरेंट कंडीशन है। ये सिल्क की औरत साड़ियाँ पहनती हैं और इनके घरों में काम करती हैं औरतें। और इनके एजुकेशन का सिस्टम ये था कि ये जो है घरों में आके इनके पढ़ाने के लिए मदरस रखे जाते थे, और इसमें तालीम का जो निज़ाम था वो ये निज़ाम था कि इनको घर पर आके तालीम दी जाती थी। पर्दा सिस्टम के बारे में ये कहा गया है कि पर्दा सिस्टम जो है वो आपका अपर क्लास का एक फैशन था, या अपर क्लास में ही कन्फाइंड था। ये एक तरह से पर्दा सिस्टम जो था, पर्दा वो औरतें करती थी जो स्टेटस माना जाता था, हाई क्लास की औरतें हैं वो पर्दा करती थी। जो नीचे तबके की गरीब औरतें होती थी उनको पर्दा अलाउड नहीं था, हायर क्लास के लोगों को पर्दा का सिस्टम होता था। इवन हिंदुओं में भी कुछ रेफरेंस है कि पर्दे का सिस्टम था। सती एग्जिस्ट कर रही है इसका रेफरेंस है, लेकिन सती भी है वो अपर क्लास में है, लोअर क्लास में नहीं। सती का जो भी रेफरेंस मिल रहा है इब्ने बतूता देता है आपको रेफरेंस, लेकिन वो अपर क्लास की औरतों के लिए बात करता है, वो नीचे क्लास की औरतों की बात नहीं करता, वहाँ पर सती नहीं। रीमैरिज के बारे में जो बोलता है वो भी ये बताता है कि अपर क्लास की औरतों को रीमैरिज की परमिशन नहीं है, लेकिन लोअर क्लास में ये चीज़ चल रही है। एक पॉइंट और है जो हमें समझना है बड़े तफसील से, वो ये है स्लेव के बारे में, ग़ुलामों के बारे में। ग़ुलाम एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है दिल्ली सल्तनत में। ग़ुलाम रखना वैसे ही चीज़ है एक तरह से जैसे एक आज के डेट में हमें अपने घर में
होम मेड रखते हैं या छोटी मोटी काम के लिए कुछ हेल्प के लिए रखते हैं लोगों को, वैसे ग़ुलाम रखने का रिवाज था। और आपको मैंने बताया कि ग़ुलाम को पढ़ाने का भी रिवाज था, ग़ुलाम को नौकरी दिलाने का भी रिवाज था। तो ग़ुलाम रखना एक ज़रूरी चीज़ हो चुकी थी, वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। लोग ख़रीदते थे, जब आपके पास पैसा नहीं तो अल्टीमेट आपके पास एक ग़ुलाम है जो आप बेच सकते थे। और ग़ुलाम के लिए ज़िम्मेदारी ये होती थी कि आपको उसको खाना देना ज़िम्मेदारी आपकी है अगर आपने उसको रखा है तो। और दूसरी ज़िम्मेदारी आपको ये दी गई थी कि आप अगर उसको खाना दे रहे हैं कपड़ा भी आपको देना है उसको, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और वो आपके हिसाब से काम करेगा जो काम आप उससे चाहिए, लेकिन रेफरेंस ये मिलता है कि ग़ुलाम में भी एक्सपर्टीज़ होती थी। आप कैसे ग़ुलाम को ख़रीदना चाहते हैं, आप हाउस होल्ड के काम के लिए करना चाहते हैं या खेती के लिए लेना चाहते हैं या आर्मी में आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, और उनके रेट बने हुए हैं, उनके जो हैं रेट बने हुए हैं, किस रेट में क्या मिलेगा वो आपको बताया गया है। आप अगर पढ़िए बर्नी को, खासकर अलाउद्दीन खलजी के पीरियड में, उसमें बाकायदा स्लेव का रेट बना हुआ है कि किस तरह का ग़ुलाम किस रेट में मिलेगा, वो उस रेट पर वो ख़रीदा करते थे। तो ग़ुलाम एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, और हर आदमी जो थोड़ा बहुत भी ठीक है फाइनेंशियली, उसके पास 1, 2, 4, 10 जैसे आदमी है उसके बाद ग़ुलाम रहते थे। फिरोज़ तुगलक के पीरियड में अगर आप देखिए कि कितनी बड़ी फ़ौज उसने बनाया था, ग़ुलामों की सिर्फ फ़ौज थी उसके पास। ये ग़ुलाम का मामला है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और एक और लास्ट में बता दें कि टाउन लाइफ के बारे में रेफरेंस मिल रहा है कि दिल्ली के बारे में जैसे हमको रेफरेंस मिलता है, इब्ने बतूता क्योंकि बहुत जगह घूम के आया था हिंदुस्तान जब पहुंचा तो वो बोलता है कि दिल्ली इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी हमने जो देखा, बड़ी सिटी में अगर शहरों में किसी को देखा तो दिल्ली के बारे में बताता है। और बोलता है कि दौलताबाद भी दिल्ली के जैसे ही है, यानी कि दोनों की इक्वल रेट पर कर रहा है। ये चीज़ें भी बता रहा है, कई कई और सिटियों के बारे में, शहरों के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। हमने सबसे पहले ज़ात के बारे में सुना, कास्ट सिस्टम के बारे में समझा कि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम थी जिसमें बताया कि ब्राह्मण थे, उसके बाद क्षत्रिय, फिर उसके बाद वैश्य एंड शूद्र, ये बताया हमने पहले समझा। दूसरी बात फिर हमने आपसे ये बात किया कि दिल्ली सल्तनत में उमराओं के बारे में बताया कि कैसे नबुल क्लास एक रूलिंग क्लास के तरह से काम कर रहा है और उनको सपोर्ट के लिए उलमा कैसे काम कर रहे हैं, उलमा का क्या रोल रहा इसको समझने में, ये आपसे बात हुई। फिर मैंने आपको एक बताया कि एक नया क्लास इमरजेंस ऑफ, हम इंग्लिश में बोलते हैं इमरजेंस ऑफ ज़मींदार, ये जो जिसमें राजपूतों के बारे में मैंने बताया कि जो राणा या रावत या राउस कहलाते थे, कैसे इनको इनका एग्जिस्टेंस है जो रूलिंग क्लास में इनको भी माना जा रहा है। और तीसरे फिर मैंने आपसे बताया था कि तजारती तबका हमारे यहाँ पर है इस पीरियड में, जिसको मैंने एग्जांपल दिया कि ढूंढी का रेफरेंस आपको देखने को मिलता है। और फिर आपने ये भी देखा कि बड़ी अच्छी मजबूत करेंसी सिस्टम है दिल्ली सल्तनत की, ये भी एक बताता है कि तजारत का सिस्टम सही चल रहा था। हमने औरतों के हालात पर आपसे बात की कि देखिए दो तरह की औरतों को बताया गया कि एक बड़े घर की औरतों की कंडीशन कैसी है और गरीबों के घर की औरतें। ये भी बताया गया कि हिंदू घर में औरतें जो हैं उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सती, हम जानते हैं कि सती हो रही है, विधवाओं को दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये अपर क्लास की औरतों के लिए है। जो आम औरतें हैं, जो शूद्र हैं या फिर आपकी वैश्य, उनको इजाज़त है, वो चाहे तो शादी करती थी और सती नहीं करती थी। और इसका हमें रेफरेंस जो मिला है इब्ने बतूता से मिला है, जिसमें ये है कि सती का रेफरेंस है। और एक बात आपसे बताई थी मैंने कि ग़ुलाम एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है थ्रू आउट दिल्ली सल्तनत, फिरोज़ तुगलक तक अगर आप ले जाएंगे तो एक बहुत बड़े पैमाने पर ग़ुलामों की का ख़रीद फरोख्त होता है, ये एक तिजारत हो चुकी है। लोगों ने इसको ख़रीदना शुरू किया, बेचना शुरू किया। जितने ज़्यादा जिसके पास ग़ुलाम होते थे वो एक तरह से सोशल स्टेटस माना जाता था, ये समाज की एक स्टेटस को समझा जाता था। तो इतनी बातों को हम जानने की कोशिश किया है। आज के उन्वान पर मज़ीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन पर दी जा रही किताबों का मुताला कर सकते हैं। मज़ीद जानकारी के लिए आप इस पते पर रابطہ कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, आइंदा एक नए उन्वान के साथ फिर मुलाकात होगी। आदाब।